नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्थ एंड राजकोट संचालित करुणा टॉक्स में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 25 नवंबर यानी कि साधु आसवानी जी की, पूज्य साधु आसवानी जी की जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती को मीटलेस डे के द्वारा मनाया जाता है। मीटलेस डे यानी कि शाकाहार पे जो है वो उसमें फोकस किया जाता है। इस डे के दिन मीटलेस यानी कि मांसाहार का त्याग करना। तो आज उसी विषय को लेकर करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्थ प्लान की तरफ से एक वेबिनार का आयोजन किया गया है, जहां पर हमारे साथ बहुत ही बड़े वक्ता जुड़े हैं। सर्वप्रथम मैं करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्थ प्लान राजकोट के प्रमुख श्री जो है वो श्री मित्तल खेतानी से विनती करूंगी कि वो हमारे दर्शक मित्रों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद कामिया। आज हमारी पूरी फर्टिनिटी के लिए बहुत मित्तल भाई, मैं आपसे विनती करूंगी, आपका आवाज जो है वो ठीक नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आप फिर से रमेश भाई जो है वहां पे आपके साथ उनके मोबाइल के कैमरा से कोशिश करें हमारे साथ बात करने की। दर्शक मित्रों, मित्तल भाई हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे। दर्शक मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का वेबिनार का विषय जो है वो है सर्वश्रेष्ठ आहार शाकाहार। शाकाहार को एक ऐसा आहार माना जाता है कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे खाने के लिए मनुष्य की जो रचना है, शरीर रचना है, उसे मांसाहार जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। मनुष्य के शरीर की रचना जो है वो उसी तरह बनी है कि जिसे शाकाहार को ही एक्सेप्ट करता है वो। और हमारा बॉडी जो है वो अल्कलाइन होता है, इसलिए शाकाहार लेने की वजह से हम अल्कलाइन बॉडी हमारा रहे और उसकी वजह से हमें कोई रोग नहीं होते हैं और हमारी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बढ़ जाती है। यानी कि जीने के, यानी इसका अर्थ यही है कि मांसाहार करके हम अपना जीने की जो साल है वो हम कम कर रहे हैं, हमारी मृत्यु हम अपने आप ही पास ला रहे हैं। तो शाकाहार इस तरह से महत्व रखता है। हमारे साथ आज जुड़े हैं संजय भाई मेहता जी जुड़े हैं जो जैन श्रेष्ठी है। मैं उनसे विनती करूंगी कि संजय भाई आप विषयुक्त मार्गदर्शन जो है हमारे दर्शक मित्रों को दें। संजय भाई आपका माइक जो है वो अनम्यूट करके आप बात करें ताकि हमारे दर्शक मित्र आपकी आवाज सुन सके। हाँ जी, थैंक यू कामिया। आज विश्व शाकाहार दिन साधु वासवानी ने जैसे मीटलेस डे के हिसाब से जो घोषित किया है उसकी हम बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि विश्व के हर धर्म ने प्राणी मात्र का ध्यान रखने का, उसकी दया रखने का फरमान किया है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो धर्म का दूसरा स्वरूप ही दया है। जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। दया का एक सिक्के की दूसरी साइड धर्म है और धर्म की दूसरी साइड दया है। आज के दिन साधु वासवाणी को ये मीटलेस डे डिक्लेयर करने के हिसाब से मैं वंदन करता हूं। उसको हम लोग उसका जो उसने कर्तव्य बजाया उसके हम अनुमोदना करते हैं और प्रशंसा करते हैं। जनरली दो टाइप के खाद्य सामग्री होती है, वेज और नॉन वेज। तो आज का जो सब्जेक्ट है कि शाकाहार है वो सर्वश्रेष्ठ आहार है, वो कैसे हम मान ले, तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं हमारे दर्शक मित्रों को ये जानने के बाद खुशी होगी और उसको सही रास्ता मिलेगा। जनरली ह्यूमन बॉडी की जो साइंटिस्टों ने जो रचना बताई है
वो प्योरली शाकाहारी रचना के हिसाब से ही है। वैसे भी हम लोग ने मांसाहारी प्राणी हमने देखा है, लायन देखा है, टाइगर देखा है, इवन हमारे शहरी गली में कुत्ते और बिल्ली जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का खुराक खाते हैं वो भी हमने देखा है। तो लक्षण शास्त्र के हिसाब से जो शाकाहारी जो होता है प्योर शाकाहारी, जिसकी बॉडी जो ये साइंटिस्टों ने बताया कि साकार के हिसाब से बनती है, वो लोग पानी जो पीते हैं वो मुंह से मतलब होंठ के उपयोग से वो पानी पीते हैं, जैसे हम बोतल से पानी पीते हैं। मांसाहारी प्राणी जो होता है वो पानी पीने में अपनी जीवा मतलब जीव का उपयोग करते हैं, वो जब पानी पीते हैं तब चप 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 ऐसा आवाज निकलता है। मांसाहारी प्राणी को अपने शिकार के लिए उसका जो पंजे में जो नाखून होता है वो तीक्ष्ण और शार्प होता है, जैसे जो शाकाहारी प्राणी होता है उसकी बॉडी रचना साइंटिस्टों ने जो बताई है उसको ऐसी जरूरत ही नहीं है। तो वो हिसाब से शाकाहार श्रेष्ठ है वो बताने के लिए साइंटिस्टों ने भी ऐसा अमन को बताया है कि हमारा बॉडी जो होता है वो नॉन वेज डाइजेस्ट के लिए बना ही नहीं। जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उसका जो आतरड़ा होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, ताकि उसमें जो खुराक जाता है वो एग्जिट भी तुरंत ही हो जाता है। और जो वेजिटेरियन प्राणी होते हैं उसका आतरड़ा की लंबाई बड़ी होती है और उसमें वो खुराक पड़ा रहता है। अगर जो मांसाहारी जो जो आदमी लोग जो मनुष्य मांसाहार का भोजन करता है तो उसमें जो नॉन वेज फूड होता है वो फूड उसकी होजरी में आतरड़ा ने अंदर ज्यादा से ज्यादा समय टिकता है, इसीलिए उसको फूड पॉइजन का और कई बीमारियों का प्रॉब्लम होता है। तो हमारे पास ऐसे अनेक लक्षण है मांसाहार प्राणी और वेजिटेरियन प्राणी के हिसाब से, तो दोनों के डिफरेंस से हम समझ सकते हैं कि हम लोग नाती से हिसाब से जैन हो, ब्राह्मीण हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो या कोई भी हो, लेकिन नेचर ने हमको दो ही बनाया आदमी, दो ही उसकी ज्ञाति बनाई है, वेज ज्ञाति और नॉन वेज ज्ञाति, उसने कोई डिफरेंस नहीं बनाया, डिफरेंस हमने बनाया है। और जो लायन होता है वो उसकी पूरी जिंदगी बिना शाकाहार के जीवन जी सकता है, लेकिन मांसाहार के बगैर वो जीवन नहीं जी उसका नहीं निभा हो सकता है। लेकिन जो आदमी मांसाहार करते हैं वेजिटेरियन उसका बॉडी है, वेजिटेरियन के हिसाब से उसकी बॉडी की रचना हुई है, वो अपने सिर्फ टेस्ट के लिए ही नॉन वेज यूज करता है। अगर हम ऐसा कुछ प्रयोग करें कि उस आदमी को वेजिटेरियन उसका बॉडी है और उसको सिर्फ नॉन वेज ओनली एंड ओनली नॉन वेज उसको करीबन एक वीक के लिए दे दे तो वो आदमी टिक नहीं सकता, क्योंकि उसके बॉडी में इतना एसिडिक तत्व उत्पन्न हो जाता है कि वो जी नहीं सकता, और ये बात प्रूवन हो गई है। इसीलिए हम साइंस के बेस से हिसाब से बता रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो सिर्फ वेजिटेरियन के लिए बना है, नहीं कि नॉन वेज के लिए। और नॉन वेज जहाँ हम कतल खाने के स्लॉटर हाउस में जाते हैं तो उसकी जगह देख के हमको क्या लगता है, क्या अनुभूति होती है? अनुभूति के हिसाब से हम लोग अपना नाक बंद कर देते हैं, हमको वो सीन गमता ही नहीं। एक जगह खून का धाबा होता है, दूसरी जगह कटे हुए पशुओं की मीट पड़ी होती है, पशुओं का आर्तनाद देखता है, तो ये सबसे हम लोग वहां से भाग जाते हैं। उसकी जगह कंपेरिजन हम लोग बाड़ी खेतर में जाते हैं तो हमको ब्यूटीफुल फूल दिखते हैं, पुष्प दिखते हैं, फ्रूट दिखते हैं, जैसे गालीचा पत्थर है ऐसा हमको हरियाली की वजह से हमको मानसिक शांति मिलती है। तो साकार श्रेष्ठ आहार है, देखने में और खाने में दोनों तरफ से ये प्रूवन मैटर है। और साकार के हिसाब से हम देखें तो साकार हर श्रेष्ठ इसीलिए है कि शाकाहार को प्रोड्यूस करने में मिनिमम वाटर और मिनिमम
नेचर की जो जमीन है उसकी जरूरत पड़ती है। आधा किलो अनाज अनाज उगाने के लिए 1000 लीटर पानी की जरूरत होती है और आधा 500 ग्राम मीट को पैदा करने के लिए हमको 10000 लीटर पानी की जरूरत होती है, क्योंकि जो मीट जिस बॉडी में से निकलता है उस प्राणी को हमको अनाज खिलाना पड़ता है। आज यूएसए और एमेजन का जो जंगल है वो सब जगह ये वहाँ मीट का पशुओं को अनाज खिलाते हैं, तो वहाँ जो खेती होती है वो मोस्टली मकाई और जो वो लोग उगाते हैं, तो उसका उपयोग पशुओं को खिला के उसके बॉडी में मैक्सिमम मीट उसको मिल पाए इसीलिए वो लोग कर रहे हैं। और ये अनाज उसको खिलाने में और उसमें से जो मांस मिलता है, तो आधा किलो मांस उसके बॉडी में से मिलने तक जो प्रोसेस होती है अनाज खिलाने से तक और मीट लेने तक, तो उस प्रोसेस में 10000 लीटर पानी का यूज होता है। मतलब कि 10 टाइम पानी नॉनवेज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस में लगती है। इस हिसाब से भी शाकाहार जो है वो श्रेष्ठ आहार है, उसमें कोई बेमत नहीं है। और अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिकों के ग्रुप ने जो प्रयोग किया है, जैसे कि कोरिया में कोरियन साइंटिस्टों ने दो ग्रुप बनाया, एक ग्रुप को 5 दिन तक शाकाहार खिलाया और दूसरे ग्रुप को 5 दिन तक नॉनवेज आहार कराया। नॉनवेज उल्टे उसके साथ शाकाहार आहार भी था, क्योंकि नॉनवेज पे 5 दिन तो टिकना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद उसका बॉडी का जो रिपोर्ट का जो एनालिसिस हुआ, उसका यूरिन सब वो लोग ने टेस्ट किया, तो शाकाहारी जो लोग ने 5 दिन का खुराक दिया था तो उस लोगों का उस ग्रुप का जो रिपोर्ट निकला तो उसमें हानिकारक जो बॉडी में जो तत्व होता है वो बहुत कम मात्रा में मिला, और कंपेरेटिवली जो लोग को मांसाहार खुराक दिया था उस लोग के बॉडी में यूरिन और ये सब चीज में ज्यादा से ज्यादा एसिडिक और हानिकारक बॉडी को ह्यूमन बॉडी को जो तकलीफ पहुंचाए वैसे तत्वों की हाजिरी महसूस हुई। जर्मनी में साइंटिस्टों ने किडनी के ऊपर वहां जर्मनी में किडनी फेलियर का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से वहां लोगों ने जो देखा साइंटिस्टों ने देखा कि इसका कारण क्या है, तो किडनी फेलियर होने में मांसाहार भोजन ज्यादा से ज्यादा जवाबदार होता है। और जर्मनी में जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर पहले से उसको बोलता है, कंसल्ट के लिए जाते हैं कि भाई आज तक तुमने जितना मांसाहार किया वो ठीक है, वो भूल जाओ, अब आपको और आपकी किडनी को दोनों को बचाने के लिए आपको नॉनवेज छोड़ना ही पड़ेगा। साइंस भी वैसा मानते हैं। ब्रिटेन में प्रैक्टिकल मैटर में भी देखे हम लोग, तो ब्रिटेन में जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, जो हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनी स्मोकर नॉन स्मोकर दो कैटेगरी का प्रीमियम उसमें बता दिया, हमारे यहाँ ये अभी प्रचलित नहीं हुआ है। ब्रिटेन में तो वेज और नॉन वेज वो भी आपको टिक करना पड़ता है, तो जो शाकाहारी व्यक्ति है उसका प्रीमियम कंपेरेटिवली मेडिक्लेम का और लाइफ इंश्योरेंस का कम आता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि शाकाहार ये श्रेष्ठ आहार है, मांसाहार छोड़ दो भैया, नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा या जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। WHO ने 160 बीमारी की उसने घोषणा की है, तो वो घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जो बीमारी फैलती है वो नॉनवेज के हिसाब से ही फैलती है, नॉनवेज खुराक यूज करने के हिसाब से होती है, तो WHO भी ये मानता है। हमारा धर्म भी ऐसा है, वो सेम कहता है कि भाई मांसाहार छोड़ो, क्योंकि उसमें हमको किसी जानवर की कत्ल करनी पड़ती है और कत्ल करना वो दया का काम नहीं है, वो घातकी काम है, हिंसा का काम है। आज साधु वासवानी भी सेम मैसेज देते हैं, हर एक धर्म का मैसेज सेम है कि तुम लोग दया पालो। तो ये दया पालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भूखा नहीं रहने का, कोई भी धर्म ने कंपल्सरी उपवास करने का नहीं बोला कि आप उपवास करो, ये करो वो करो, तो आपको ऑल्टरनेट तो कितने मिलते हैं। और नॉनवेज जो लोग खा रहे हैं तो उसके साथ उसको वेजिटेरियन खुराक तो लेता ही लेता है,
तो वो लोग क्यों करते हैं, तो अपने टेस्ट के लिए लेते हैं, और उस टेस्ट में भी इतना कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें गरम मसाला डाल डाल के उसमें टेस्टी बनाया होता है, बाकी तो मीट टेस्टी है ही नहीं। बेसिकली हमारा वेजिटेरियन फ्रूट होता है, उसमें खटास होती है, मिठास होती है, तिखास भी होती है जैसे मर्चे में, तो वैसे तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, तो टेस्ट के लिए उसमें मसाला भर भर के डाल देते हैं, तो वो सिर्फ जीभ का स्वाद है। हमारा जीभ का स्वाद छोड़ दो तो आपकी हेल्थ का स्वाद आप खुद रख सकते हो, और खुदा भी रख सकता है, खुद और खुदा, आप खुद खुदा बन सकते हो दूसरों जीवों की दया पालने के लिए। तो ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो लाइफस्टाइल के हिसाब से अनेक बीमारियों को हम लोग वेलकम करते हैं जाने अनजाने में। तो मैं सब श्रोताओं को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जिम्मेदारी आपको फैमिली की फैमिली और नेशन से भी है, तो आप मिनिमम अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए मांसाहार छोड़ दो, क्योंकि मांसाहार भोजन आपका स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाते हैं और परिवार को भी हानि पहुंचाते हैं और राष्ट्र को भी हानि पहुंचाते हैं। आज हम देखते हैं तो पूरे विश्व में कई महानुभाव हो गए, तो एक महानुभाव का नाम मैं लेता हूं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या बोला कि मैं मेरे पेट को कब्रिस्तान बनाना नहीं चाहता हूं, मतलब कि मैं नॉनवेज नहीं खाना, मेरे को नॉनवेज नहीं खाना खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉनवेज खाना उसका मतलब ये है कि किसी पशु को मारकर उसको मेरे पेट में दफन कर देना है। तो ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया, और उसने तो आगे चल के वो भी बताया कि मेरा दूसरा जन्म मेरे को जैन धर्म में मिले, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा इतनी सूक्ष्म ली है, तो वो भी प्रभावित हो गए थे। और उसने ऐसा बोला कि हिंसा जो है वो मनुष्य की हेल्थ को और मनुष्य की शांति को हानि पहुंचाती है, इसीलिए काम नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल लेवल में देखो तो ब्रिटेन के पास्ट बड़ा प्रधान चर्चिल भी वेजिटेरियन थे, हमारे यहाँ महात्मा गांधी, इवन अब्दुल कलाम, अभी हमारे थोड़े वर्षों पहले ही हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, वो भी पूर्ण शाकाहारी थे, वो तो उसने डिफेंस में क्या बहुत काम किया है वो हम सब जानते हैं, उसकी बदौलत आज हम इंडिया डिफेंस की कैटेगरी में इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर पे आ गया है, इतना उसने राष्ट्र को नॉलेज दिया, राष्ट्र को सक्षम किया, और अपने अनुभव के हिसाब से राष्ट्रपति पद भी उसने गौरव से संभाला, वो भी वेजिटेरियन थे। स्पोर्ट्स में पीटी उषा, लक्ष्मण, क्रिकेटर अनिल कुंबले, वैसे कई क्रिकेटर भी वेजिटेरियन है, वो अपने वेजिटेरियन होने से कोई खामी हमारे बॉडी में नहीं रहती, वो भी अपना क्रिकेट के और पूरे वर्ल्ड लेवल में जो स्पोर्ट्स में वो लोग पार्टिसिपेंट रहते हैं उसने अच्छी तरह बताया। रनर कार्ल लुईस, जिसने ओलंपिक के अंदर अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के नंबर लिया था, वो भी वेजिटेरियन ही था। और दूसरी चीज टेक्निकली हम बोलते हैं तो 1 किलो जो मांस की जो रसोई होती है, तो रसोई में जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, मतलब कार्बन जो फैलाता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो 170 किलोमीटर में वो प्रोड्यूस होता है, और बड़ी मात्रा में कार्बन का प्रोड्यूस जो पूरे अर्थ पूरी जो इको सिस्टम है वर्ल्ड की उसको हिला देता है। उसकी वजह उसके कंपैरिजन में कोई मोटर कार 130 किलोमीटर चलेगी तो जितना कार्बन का वो प्रोड्यूशन करेगी उसकी कंपेयर में नॉनवेज जो वानगी जो बनती है, क्योंकि मांस को पकने में बहुत टाइम लगता है, तो मांस को बहुत टाइम मतलब ज्यादा उसको अग्नि की जरूरत होती है। तो ये जरूरत के हिसाब से मांसाहार हमारे पॉल्यूशन के हिसाब से भी पूरे वर्ल्ड के लिए ये हानिकारक है,
पोल्यूशन के लिए और हेल्थ के लिए भी। तो मैं श्रोताओं को फिर विनती करता हूं कि आप हर एंगल से देखिए, धर्म के एंगल से देखिए, साइंस के एंगल से देखिए, पर्यावरण के एंगल से भी देखिए, और ऐसा मतलब जो शाकाहारी जो चीज होती है वनस्पति, वो आपको देखने में सुंदर और ब्यूटीफुल लगती है, स्वाद में भी ब्यूटीफुल लगती है। तो उसके कंपैरिजन में जो मांसाहार है वो कुछ उसकी कंपेयर ही नहीं हो सकती, वो जीरो है। क्योंकि जब पशु की कत्ल होती है तो उसका जो दर्द होता है, तब उसके बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री जो होती है, मतलब जो उसका जो कोई आदमी को दुख करके, दुख पहुंचा के उसकी हाई लेके हम लोग उसका जो खुराक मीट मिलता है वो लेते हैं, तो हमको क्या बरकत देगा? बरकत तो नहीं, वो पशु की कुदवा भी मिलेगी, और वो तो भावात्मक बात है मेरी, वो भी छोड़ दो, लेकिन उसकी मीट में जब उसकी कत्ल होती है तब उसके बॉडी में से जो अंतरस्त्राव होता है साइंटिफिकली वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव बॉडी हमको वो मांस में मिलके वो हमारे बॉडी को भी नुकसान पहुंचाए थे। इसीलिए ये चीज जो हो रही है मांसाहार के सामने, जो वेजिटेरियन ये साधु वासवानी ने जो मीटलेस डे किए कीजिए आज का दिन को घोषित किया, वो बहुत ठीक किया है, लेकिन एक दिन क्यों? हम हमारे जीवन से, जीवन भर के लिए, हमारे परिवार से, हम राष्ट्र को नॉनवेज में से क्यों तिलांजलि न दे? क्योंकि जल, जंगल, जानवर मतलब पशु, उसकी संवर्धना में राष्ट्र की और पर्यावरण की संवर्धना होती है। इसीलिए मैं हर श्रोताओं को विनती करता हूं कि हमारे जल, जंगल और जानवर की सुरक्षा में हमारी सुरक्षा है। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर इस चीज का प्रचार करें, प्रसार करें, और ह्यूमन बॉडी को कितना नुकसान होता है नॉनवेज के हिसाब से वो उसे समझाएं। हम लोग स्कूल कॉलेज में जाके ये बच्चों को समझाते हैं, फिर उसका फीडबैक लेते हैं, पूरे साइंटिफिक मोड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे हम लोग सब लोग ये करते हैं, तब कई बच्चों का हमारे पास 13,000 फीडबैक रेडी है। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह हमको रिस्पॉन्स दिया है, तो वो लोग भी बोलते थे कि इतना ये जो नुकसान करता है ह्यूमन लाइफ को वो हमको पता नहीं था, और हम भी अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि सब लोग को मिलके वेजिटेरियन सोसाइटी, वेजिटेरियन नेशन, वेजिटेरियन फैमिली और ऐसे वेजिटेरियन ह्यूमन जब तक न बन जाए तब तक हम नहीं बैठेंगे। आज जो बर्फीला एस्किमो का कंट्री है, आप गूगल पे जाके सिर्फ सर्च करना मेरे दोस्तों कि एस्किमो की आयुष्य कितनी है, उसकी मैक्सिमम आयुष्य 48 इयर्स की, करीबन 50 के करीब है राउंड फिगर में मैं बोलूं तो हमने उसकी वजह देखी कि ये क्यों है। तो वजह देखने के बाद हमको पता चला, हम भी चौंक गए कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग वैसे क्षेत्र में रहते हैं कि जहां बर्फ ही छवायला होता है, बर्फ ही पूरे साल भर रहता है, तो उसके कारण में वो लोग को नॉन वेज आहार के हिसाब से वो लोग की ब्लॉकेज, हार्ट की जो नड़िया होती है ब्लॉकेज हो जाती है, उसके लिए वो लोग को मैक्सिमम हार्ट अटैक आता है, और वैसे भी वो लोग की आयुष्य करीबन मैक्सिमम में सब फिगर दोहराता हो 50 इयर्स करीब है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम मिटलेस डे को सार्थक करने के लिए हम 1-to-1 और अब खुद अपने को पहले सुधार के, जो हम लोग नॉनवेज का यूज करते हैं तो नॉनवेज छोड़ दे, अपने परिवार को भी छोड़ने की सलाह दे, और हमारी सोसाइटी को पूरे लाइफ टाइम मिटलेस बनाए। तो वो साधु वासवानी को, हर धर्म को, हर धर्म गुरुओं को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची उसकी आज्ञा पालन होगी,
और हम भी खुशी में रहेंगे, हमारा परिवार भी खुशी रहेगी, बीमारियां शोक वश दूर हमसे रहेगी और हम भी प्रफुल्लित रहेंगे और हमारा परिवार हमारा राष्ट्र भी एक फूला खिला बाग की तरह महकता रहेगा। विशेष तो सब कुछ हो सके इतना मैंने बोल दिया है, कुछ बोलने में गलती रह गई है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। हमारे दर्शक मित्रों ने आपसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शाकाहार को कैसे अपनाना चाहिए वो सीखा, आपने जो हमारे दर्शक मित्रों को सिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्रों हमारे साथ अभी भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री वल्लभ भाई कथीरिया, डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी जुड़े हैं, वो भी आज के जो विषय है सर्वश्रेष्ठ आहार शाकाहार विषय पर अपना वक्तव्य देना चाहते थे, तो हमने उन्हें भी इनविटेशन दिया था और आज हमारे साथ वो अपना समय निकाल कर जुड़े हैं, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं। वल्लभ भाई आपका स्वागत है, मैं आपसे विनती करूंगी कि हमारे दर्शक मित्रों को आप विषयुक्त मार्गदर्शन दें। आभार। डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी आपको हमारी आवाज आ रही है? दर्शक मित्रों कथीरिया साहब जो है वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए उनकी कनेक्टिविटी लो है। ऐसे ही हमारे करुणा फाउंडेशन के प्रमुख श्री मित्तल खेतानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी बिजी है लेकिन फिर भी जुड़े हैं, तो हम उनसे विषयुक्त मार्गदर्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद काम्या, आज इंटरनेशनल मिटलेस डे है साधु वासवानी जी की, जिन्होंने पूरा अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, खास करके अबोल जीवों के कल्याण के लिए पूरा व्यतीत किया था। उनकी जन्म जयंती का हम सेलिब्रेशन इससे ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे कि आज के दिन तो एटलीस्ट, वैसे तो पूरा साल एनिमल्स और बर्ड्स की हत्या नहीं होनी चाहिए, उनका मर्डर नहीं होना चाहिए और पूरा जीवन हमको मिटलेस ही सेलिब्रेट करना चाहिए, बट फिर भी एटलीस्ट आज के दिन तक तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे भी ये मिटलेस डे की तरह सेलिब्रेट हो रहा है। और ये आनंद का विषय है कि हम बहुत सालों से प्रयत्न कर रहे थे करुणा फाउंडेशन की ओर से कि भाई ये भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह की एडवाइजरी निकाले, तो पूरे राज्य के सीएम को भी हमने रिक्वेस्ट की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की थी, एनिमल वेलफेयर को उनसे भी रिक्वेस्ट की थी। मित्तल भाई एक ही मिनट, संजय भाई से मेरी विनती है। हां मित्तल भाई प्लीज कंटिन्यू। तो आज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया उन्होंने भी एक एडवाइजरी निकाली हुई है और मेरे ख्याल से डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। सर आप ऑडिबल हैं, कैन यू हियर मी सर? मैं कुशाग्र से टेक्निकल टीम से विनती करूंगा कि तेजस के साथ कोऑर्डिनेट करके सर को हेल्प करें कनेक्ट होने में। मेनटाइम हम अपनी वो जो साधु वासवाणी जी की वो डॉक्यूमेंट्री है मैं आपसे भी विनती करूंगा कि वो भी दर्शकों के लिए ये बताएं, मेन टाइम ये कथीरिया साहब हमारे साथ वापस जुड़ जाएंगे। तो सभी दर्शकों से बस यही प्रार्थना है कि हम शुद्ध जीवन जिए, शाकाहारी जीवन जिए और हमारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अबोल जीव है उनको किसी भी तरह की हानि पहुंचे, तो यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए। हमारे साथ श्री जी गौशाला के एनिमल हेल्पलाइन परिवार के रमेश भाई ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी विनती करूंगा कि वो सब आज इंटरनेशनल मिटनेस डे के अवसर पर हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। रमेश भाई ठक्कर इन टाइम डॉक्टर कथीरिया साहब से ट्राई कर लिए कि वो कनेक्ट हो जाए। नमस्कार सब मित्रों को, सबसे पहले तो अपन साधुवासन जी के आत्मा को इतना वंदन करें क्योंकि उन्होंने एक अच्छा रास्ता सिखाया है, जैसे देवदूत बनते हैं कभी कभी देवदूत की तरह जी के हमको रास्ता दिखा रहे हैं कि हमको आदमी कैसा जीना चाहिए, क्या खुराक लेना चाहिए क्या नहीं। मगर वेजिटेरियन रहना तो सबसे बड़ी बात है, आज ज्यादातर भारतीय लोग वेजिटेरियन है, उसके हिसाब से उसका मन शांत रहता है, उसमें खास करके जैन परिवार हो तो काफी अहिंसक और जीव दया के लिए जो काम कर रहे हैं उसके मन में करुणा दया भाव है, ओनली वेजिटेरियन होने की वजह से ही है ऐसा हम तो सोचते हैं। और भारत ने भी कभी किसी पे हमला नहीं किया है, कहीं कभी विरोध नहीं किया, उसका कारण भी वेजिटेरियन सोसाइटी कर रहे हैं नहीं तो उनको उनको मन में जो एक करुणा नहीं होता, दया भाव नहीं होता तो इतने लोग क्रूर बनते हैं, कितने प्रॉब्लम होते हैं,
नॉनवेज खाने वाले को आपने मालूम है, परिवारों को भी मालूम है कि क्या क्या हो रहा है। और जितने भी प्रकाश भाई ने बताया, जितने भी प्राणी है जो वेजिटेरियन है उनका ही कत्ल होते हैं ज्यादातर से, क्योंकि वही उनको अच्छा लगता है। तो वेजिटेरियन रहने से जो बेनिफिट मिलता है वही तो उसमें मिल रहा है, उनको खाना मिलता है वही अपने को मिल रहा है, उसी खाने को अपन कैसे करके यूज करें ज्यादातर करके। आज भारत देश नसीबदार है, सबसे लकी है, क्योंकि उनको पूरे पूरे वेजिटेरियन की वेजिटेबल की इतनी वेराइटीज और इतने भरपूर उसमें से मात्रा में प्रोटीन विटामिन और सबसे ज्यादा तो दया वाला भाव मिलता है। जो किसी जानवर को काटने से करुणा नहीं मिलेगी उसको, दया नहीं आएगी उसको, तो क्योंकि उन्होंने जो खाया है वही है। और सही बताया कि अपना पेट कब्रिस्तान नहीं है, किसी को मार के खाना हो तो कब्रिस्तान वाली बात हो जाती है, तो क्यों अपना कब्रिस्तान बनाए और उसे हानि पहुंचाए, अपने मन को अशांत बनाए। और मन की शांति कहीं भी नहीं मिलती, अगर किसी जानवर को काटते हैं उस टाइम उसकी जो मानसिक स्थिति होती है इतनी दयाजनक, इतनी भावपूर्वक होती है। कई क्या हम लोगों ने वीडियो देखे हैं जब बच्चे लोग उन्हीं को काट रहे, उन्हीं के पिताजी माताजी, तो उसको बचाने लेके और वो कितना ट्राई करते हैं कि भाई इसको मत काटो मत काटो, वो भी अपने को देखने को मिलता है। तो नया जो आज लोग आ रहे हैं वो इतने वो भी करुणा भाव से जिंदा रह रहे हैं, अपने को वही सिखा रहे हैं कि दया करने से, करुणा करने से समाज को नहीं राष्ट्र को नहीं पूरे देश विदेश में भी इतना फायदा मिल रहा है। आज इतने रोग बढ़ रहे हैं, अच्छा ऐसा हमने भी सुना है काफी सालों पहले, जबकि कभी कत्ल नहीं होती थी तो मन की शांति और कितना सबका फायदा रहता था। अपने बड़े लोग बुजुर्गों के लिए अपन देख सकते हैं जो वेजिटेरियन थे उनका मन कितना शांत था, कितना दयावान करुणावान, तो एक दूसरे को मैत्री भाव से देखते थे। आज वो नहीं है, क्योंकि अपन लोगों ने जो खा रहे हैं खुराक में जो माल आ रहा है मांस मसन का, वो मन को बगाड़ रहा है सबसे पहले। और सारी कहानी तो बहुत बड़ी हो रही, आज रोग बढ़ रहे हैं उसका कारण भी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मीट मिल रहा है वो पुराना होता है, खुला रहता है, उसमें कई जात के प्रॉब्लम आ जाएंगे, अपने को नहीं पता है कितने रोगिष्ट वो प्राणी है, वो भी अपने को नहीं पता चलता है। तो वैसे प्राणी का मटन नहीं खाए, अगर वेजिटेरियन रहने से अपन फायदा मिलता है। जितने अपने साधु संत लोग हैं इतने इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली है जो वेजिटेरियन है, वो लोगों को कैसे वो फायदा मिल रहा है, उनके मन में कितना कारण वदया भाव वो अपन देख रहे हैं। ऐसे साधु संतों जैसा जीवन जीना है तो वेजिटेरियन बिल्कुल फर्ज वाला है। वैसे से मैं आपको विनती करूँ सबको सबको आज का दिन का यूज करके अपन वेजिटेरियन रहे, सबको आभार। मेरे ख्याल से डॉक्टर मदिर साहब वापस हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनकी आवाज भी मेरे ख्याल से क्लियर आ रही है। आप सुन रहे हैं हमको? कथिरिया साहब आपका माइक अनम्यूट करें। यस अब सुना जा रहा है? हाँ सर, परफेक्ट परफेक्ट ओके। प्लीज कैरी ऑन सर। हेलो, थोड़ी आवाज लाउड कीजिएगा सर, थोड़ा आवाज कम आ रहा है। ओके अब ठीक है? बस ठीक है, जितना हो सके उतना लाउड आवाज कीजिएगा सर। जी जी, सबको हमारा नमस्कार। आज 25 नवंबर वर्ल्ड मीटलेस डे, या तो हम वेजिटेरियन डे भी कह सकते हैं, इस दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई हो। आज मैं नमन करता हूँ अपने साधु वासवाणी की दिव्य चेतना को कि जिन्होंने पूरे विश्व में आज उनके जन्मदिन पर इनको विश्व के लिए मीटलेस डे बनाने के लिए पूरे विश्व को एक नया राह दिखाया। आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो, आ रही है? हाँ ठीक। बस तो मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि हमारे एनिमल हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे आदरणीय श्री मित्तल भाई, प्रतीक भाई, पूरी टीम ने, रमेश भाई, आज इस देश दिन के लिए एक अच्छे वेबिनार का आयोजन किया है। मैं उनको सबको साधुवाद करता हूँ। आज मैं मीटलेस डे के निमित्त पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। अभी थोड़े समय पहले मैं संजय भाई को सुन रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पूरा विषय को अच्छी तरह से रखा है।
शायद पहले उनके पहले भी वक्ताओं ने बात की होगी, मैं भी इस बात में अपना सुर पुराते हुए मेरी थोड़ी सी जो बात मुझे करना है कि आज पूरा विश्व ऐसे एक मोड़ पर खड़ा है जहां यदि विश्व में यदि हम कहते हैं बार बार कि हमें यदि मनुष्य जाति को जीना है, जिंदा रहना है, हमें हमारा अस्तित्व रखना है, तो हमें लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर यानी कि नेचर में हमारी तीन किंगडम आ जाती है, ह्यूमन किंगडम, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, जिनको हम सृष्टि कहते हैं। तो यस, लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर से यदि हम विमुख हो गए तो पक्का मानना है कि मनुष्य जाति का भी सर्वनाश होने वाला है। ऐसे समय में 21वीं सदी का सबसे बड़ा लेसन हमें इस जागृति के माध्यम से, अच्छी बात कर रहे थे हमारे संजय भाई कि हमारा क्या योगदान होना चाहिए, हमें कैसे समाज को जागरूक करना है। हम इंडिविजुअली तो डेफिनेटली वेजिटेरियन है ही 100%, लेकिन नॉन वेज के बारे में जागृति करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि उनके लाभालाभ क्या है, उनसे कितनी हमारे न केवल आरोग्य में व्यक्तिगत आरोग्य, सामाजिक आरोग्य और वैश्विक पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, और यदि यह वैश्विक पर्यावरण चला गया तो हम भी गए। ऐसे समय में आज पूरा विश्व एक जुटता से ये आज के जो ये वर्ल्ड विटलेस डे है उन पर एक अच्छा चिंतन करें, अच्छा गौर करें और उनके आधार पर अपना हम सब अपना व्यक्तिगत धर्म, सामाजिक धर्म और सरकार अपना सरकार धर्म बनाए, सरकार है गवर्नमेंट, और वर्ल्ड लेवल पर हमारे यूनाइटेड नेशंस से लेकर के WHO से लेकर के बड़ी बड़ी जो NGO है इन सबको इसमें योगदान देना पड़ेगा, और इसके लिए मैं मानता हूँ कि हमें सबको आगे आने की आवश्यकता है। देखिए, हम जब भारतीय संस्कृति वाले तो हमारा हिंदू धर्म हो, बौद्ध संस्कृति हो, जैन संस्कृति हो, हमारे तो विरासत रही है अहिंसा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, ये सब हमारे बेसिक नॉर्म्स हैं और ये पूरे विश्व के लिए है, पूरे मानव जात के लिए। सत्य की बात केवल हिंदू धर्म में कही ऐसा नहीं है, ब्रह्मचर्य की बात केवल हिंदू धर्म में कही ऐसा नहीं है, अस्तेय की बात कही है हमारे लिए कही ऐसा नहीं है, ये पूरे मानव जात के लिए वैसे ही अहिंसा की बात हुई है। क्योंकि यदि हम जब कोर्ट ऑफ लॉ की बात करते हैं तो जब हम कहते हैं कि हम कोई हत्या करते हैं उनको हमारे क्रिमिनल पिनल कोड है, तो आत्मा तो सर्व की एक है, ये ह्यूमन की हो, एनिमल की हो, छोटे छोटे जीवाणु की हो, सभी कीट पतंग से लेकर के सभी पशु प्राणी पूरी एक वैश्विक सृष्टि की है, तो हत्या तो हत्या ही है, और हत्या का चलो आप माने न माने लेकिन कर्म के बंधन से पाप तो लगता ही है। ऐसे समय में अहिंसा परमो धर्म हमारे हमारी संस्कृति में बोला गया है, तो अहिंसा को कैसे अपनाएं, और इंग्लिश में भी बार बार कहते हैं लिव एंड लेट लिव, तो ये क्या है कि खुद भी जियो और सबको जीने दो, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी अस्मिता है, हमारी एक पूरे विश्व के लिए जो यूनिवर्सल अभी कहते हैं ना यूनिवर्सल लॉ, तो ये यूनिवर्सल लॉ की बात है। तो ऐसे समय में हमें सरकार की ओर से जो प्रयास हो रहा है उनकी मैं थोड़ी सी बात करूं कि हमारे संविधान में भी कहा गया है अहिंसा की बात भी है, हमारा धर्म है तो, लेकिन वो संविधान का जो पूर्णतः पालन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए जागृति के माध्यम से, क्योंकि ये तो हमारा देश तो लोकशाही देश है, लोकतंत्र का देश है, तो एक बड़ा जन आंदोलन, बड़ा जन अभियान, और अपने जितने भी चुने हुए हमारे मेंबर्स हैं, मे बी पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट, असेंबली में तो असेंबली में, उनको कैसे फोर्सफुली कहा जाए कि यस आप संविधान के संविधान में जो कहा गया उनके आधार पर बिल लाइए हमने लोकसभा में, पार्लियामेंट में, और पूरे देश में ये जितने भी कत्लखाने हैं क्यों बंद ना हो, बंद नहीं चाहिए कत्लखाना, एक कत्ल करना तो कोई हमारा सामाजिक धर्म है ही नहीं। तो ऐसे समय में पहला काम हमें करना पड़ेगा लोक जागृति के लिए,
हमारे लोक प्रतिनिधि पर दबाव लाने का। दूसरा बात भी करना पड़ेगा, जितनी भी हमारी एनजीओ है, सामाजिक संस्था है, उन्होंने जैसे आज का वेबिनार है तो सेमिनार प्रेस मीडिया और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया उनके माध्यम से नॉन वेजिटेरियन जो है उनके बारे में जो उनके जितने भी अरे उन्हें कुरान शरीफ में लिखा है, जैसे गाय की बात करते हैं तो केवल गाय की बात लिखिए कि गाय का दूध अमृत है लेकिन गाय का मांस सही में बीमारी का कारण है, तो ये हम नहीं कहते। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं, और मैं तो एक डॉक्टर के नाते सर्जन के नाते कहूँगा कि जब बहुत से हम ऐसे ऑपरेशन हम करते हैं कि जो बीमारी केवल एंड केवल नॉन वेजिटेरियन खाने के कारण जो मांस में ऐसे वर्म्स है बाकी के जितने भी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है वो पेट में जाते हैं तो उनके कारण काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। तो हमें आरोग्य की दृष्टि से पर्यावरण की रक्षा की बात हुई ये तो बहुत बड़ा, हम अभी बोल रहे थे ना जल जमीन जंगल जानवर और जन जन यानी हम, लेकिन सबकी सुरक्षा, जमीन की सुरक्षा के लिए, जल की सुरक्षा के लिए, हमारे जानवर की सुरक्षा के लिए, जंगल की सुरक्षा, तो ही हमारे जन की सुरक्षा होगी। तो उसमें जानवर यानी कि पूरी एनिमल किंगडम, तो उनकी हत्या करना ये कोई हमारा धर्म नहीं है। ऐसे समय में एनजीओ के माध्यम से हमारी नई जनरेशन को, खास करके हमारे बच्चों को, स्कूल से लेकर के अलग अलग वेबिनार सेमिनार लोकेशन कॉम्पिटिशन ऐसे कॉम्पिटिशन उनके माध्यम से ये बात ये विचार हमारे जितने भी बेनिफिट्स है वेजिटेरियनिज्म के और नॉन वेजिटेरियन के जो उनके जो उनके कारण जो बीमारियां होती है और जो डैमेज होता है बॉडी को पूरे समाज को, ये भी बात हमें करनी पड़ेगी। अभी आप बोल रहे थे कि सही में एक नॉन वेज जो अभी मेरे पास वो फिगर नहीं है लेकिन हमारे जैन मुनि जी ने बताया था कि एक किलोग्राम नॉन वेज मीट के लिए कितना पानी और कितना किलोरी और कितनी जमीन का बिगाड़ ये सब होता है। तो ऐसे समय भी ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, हमें समाज को समझाना पड़ेगा। तो आइए ज़्यादा नहीं कहते हुए हम हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर्स सब लोग हैं तो वहाँ भी दबाव लाए, सरकार भी दबाव लाए, हमारे मित्तल भाई तो अच्छी तरह से काम कर ही रहे लेकिन हम क्रुएल्टी बंद करें, कामधेनु आयोग हो उनके माध्यम से, एनिमल राइट्स की बात करने वाली बहुत सी संस्था है तो एनिमल राइट्स की माध्यम करो, फूड की बात करो, शेल्टर की, काफ़ी मात्रा में एनिमल हेल्पलाइन ने मित्तल भाई ने और पूरी टीम ने पूरे देश में एनिमल की रक्षा के लिए एनिमल हेल्पलाइन की स्थापना की है, मोबाइल मेडिकल वेटनरी डिस्पेंसरी की शुरुआत की है, समाज की संस्थाओं को जागरूक करिए, वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी की स्थापना की है। तो इस दिशा में भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और पूरा जैसे हम कहते हैं ना सुरक्षा से लेकर के उनका संवर्धन तक हमें काम करना पड़ेगा। तो ये पशुपालन हो, गोपालन हो, प्राणी रक्षा हो, प्राणी के लिए उनका लिविंग का अच्छी तरह से शेल्टर हाउस हो, उनकी फूड की व्यवस्था हो, ये सब हमें संस्कार में निहित करना होगा हमारी यंग जनरेशन को, हमारी नई पीढ़ी को। यदि हम आने वाले दिनों में हमारी नई पीढ़ी को जिंदा रखना चाहते हैं तो ये अवश्य इस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी संस्कृति करुणा प्रेम वात्सल्य की है तो इस विचार के साथ हम आइए इस दिन पर एक ऐसा संकल्प करें कि हम सब लोग कुछ ना कुछ हमारा योगदान, हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि हम अब अमृत काल में प्रवेश चुके हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं लेकिन आने वाले 25 साल इस देश के लिए बहुत कीमती हैं। इस देश की सही में हमें जो विश्वगुरु, देश को विश्वगुरु बनाना है, एक सही में भारतीय संस्कृति जो अहिंसा की संस्कृति है, जो अध्यात्म की संस्कृति है, जो पूरे वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, जो सर्व जीव हितावह की संस्कृति है, तो ये सर्व जीव हितावह के नाते कैसे हम हमारे विश्व में एक चेतना का लाए, एक जन जागरण लाइए, इसके लिए नई पीढ़ी को ये बात समझा करके हम एक ऐसा भारतवर्ष का निर्माण करें कि जो भारतवर्ष 21वीं सदी का सही में एक विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की दिशा में लाए और लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर जो हमारी संस्कृति का अविभाज्य अंग है उनको फैलाने में हम सब मददरूप हो। इसी के साथ फिर से हम सब अपना योगदान दें इस विषय में, हम कहीं डरे नहीं, कहीं ऐसा ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखे,
अभी तो कहते ना कि स्वयमेव मृगेंद्रता, गुलामी का जो अंश है कहीं ना कहीं हम नॉन वेजिटेरियन लोगों से कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से हम भड़क जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई क्या हम बोलेंगे। कभी कभी बोलते हैं लोग कि यदि हम टोटल वेजिटेरियन हो जाएंगे तो अन्न की समस्या हो जाएगी। ये सब पूरी लोबी की एक चाल है, ऐसा होने वाला ही नहीं है। हम यदि अपनी जमीन को अच्छी सुरक्षित रखेंगे तो आराम से हम जितना चाहिए इतना वेजिटेबल से लेकर के अन्न से लेकर के सब कुछ हमें मिलेगा, एक इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी, एक विश्व हरा भरा और विश्व एक मानवता वाला, विश्व एक सत्य अहिंसा करुणा वाला प्रेम वाला ऐसा विश्व बनेगा जो सही में एक नया रास्ता दिखाएगा। तो आइए इस दिन पर हम संकल्प करें, कुछ न कुछ हम योगदान करें, अपने जहाँ भी हैं जो भी क्षेत्र में है, करे कार्यकर्ता है, सेवक है, कहीं टीचर है, कहीं डॉक्टर है, कहीं इंजीनियर है, जहाँ भी हो सके वहाँ हम अहिंसा के लिए एक भी जीव हत्या न हो, इनके लिए जो भी हमारा योगदान हो योगदान देने का पूरा प्रयास करें। इसी बात के साथ फिर से आप सबको बधाई इस अच्छे सेमिनार वेबिनार का आयोजन करने के लिए, हमारे मित्तल भाई और पूरी टीम को बधाई, धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। थैंक यू सो मच कथिरिया साहब, आपने जो हमारे दर्शक मित्रों को संबोधित किया है और इस विषय में मार्गदर्शन दिया है उसके लिए आपका खूब खूब आभार। हमारे साथ समस्त महाजन के मैनेजिंग ट्रस्टी और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर्स जो है गिरीश भाई शाह जी जुड़े हैं। मैं उनसे विनती करूंगी कि आज जो साधु वासवानी जी का मिटलेस डे है, जो शाकाहार सर्वश्रेष्ठ आहार पर विषय पर हमने वेबिनार रखा है, उस विषय के संदर्भ में हमारे दर्शक मित्रों को संबोधित करें। उससे पहले मैं डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी से विनती करूंगी कि आप अपना माइक जरा अनम्यूट कर दें। थैंक यू सर। हाँ जी गिरीश भाई जी, आप शुरू कर सकते हैं। पूरे विश्व के 700 करोड़ से अधिक प्रजाजन को मेरी साधु वसवानी मिटलेस दिन के दिन शुभकामनाएं। साल में एक ही दिन मिटलेस डे, ऐसा क्यों? पूरा साल, पूरा कि भाई मिलो और स्वस्थ रहो। आज इस पवित्र दिन पे 25 नवंबर को जो पूरे विश्व में मिटलेस डे मनाया, तकलीफ न दे। हमारे यहाँ क्रुएल्टी का अर्थ कुछ विचित्र है। आप गाय को या किसी पशु को यदि चाबुक से मारो, लकड़ी से मारो, या उसको बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी में बांधो तो पशु प्रेमी लोग दौड़ते भागते आ जाएंगे, अरे अरे आप इसको अत्याचार कर रहे हो। और उसको यदि काट दो और काट के खा जाओ तो उसके पे सब्सिडी मिलती है। ये बहुत बड़ी विटंबना है और इस विटंबना को हमें जल्दी से हटानी पड़ेगी। मीटलेस डे पूरे भारत में, विश्व में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं विदेशों में और भारत में भी जो प्रजा मांसाहार करती है दिन प्रतिदिन, उसका आरोग्य बहुत तकलीफ में आता है। हम कई सेंटर्स डायलिसिस के चलाते हैं और ये डायलिसिस के सेंटर्स जो 25 लोग 25 मशीन है एक साथ हमारे पास इधर डायलिसिस सेंटर में, 25 के ऊपर जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग पूछते हैं पर्सनली, क्योंकि हम बहुत डिस्काउंट में चलाते हैं तो हमारे यहाँ भीड़ भी ज़्यादा रहती है और उनको हर हफ्ते 15 दिन में या हफ्ते में दो बार आना पड़ता है। मोटा मोट ये सभी के सभी जो डायलिसिस कराते सभी नॉन वेजिटेरियन होते हैं। इसका मतलब कि अपने पेट पे बहुत दबाव डालते हैं। अपना पेट जैसे गाय का पेट है, वो रोटी खाने के लिए ठीक नहीं है, वो रोटी सब्जी नहीं खा सकता है। गाय घास ही खा सकती है, गाय हो कोई भी पशु हो वो घास या दाना खा सकती है। मानवी है वो पका हुआ आहार मतलब रोटी सब्जी दाल चावल ऐसा खा सकते हैं, जिसे कहते हैं सच्चित्य परिबद्ध अपोलियंच दुपोलियंच आहारे तुच्छो सही भखणाया। तो उसमें ये कहा है कि सुपक्व आहार मानव को खाना चाहिए, अपक्व नहीं खाना है, दुपक्व नहीं खाना है। तो मांस खाने की तो कहीं बात ही नहीं आती है, शास्त्रों में उसका कोई जिक्र भी नहीं है कि अपना पेट कोई कब्रिस्तान थोड़ी है कि कटे हुए पशुओं को पेट में डालते रहे। कोई आदमी मर जाता है
तो उसमें घर में से 2-3 घंटे में उसको निकाल देते, भाई इसको निकालो जला दो, और कोई पशु तो उसको तो मार के खा जाते। ये पता नहीं अपने कन्विक्शन या अपनी समझ के परे है कि कैसे ऐसे हम लोग मीट खा सकते हैं। तो आज जैसे कि अकबर महाराजा ने उनके वक्त पूरे भारत में 6 महीना मांस खाने पे प्रतिबंध कर दिया था, और ये पूरे आईने अकबरी में लिखा हुआ है। तो मैं तो भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी से निवेदन करूंगा कि आप खुद शाकाहारी ने पार्लियामेंट में आपके घर में तो ये सारा ही नॉनवेज हमारे महामुख्यमंत्री महोदय ने जैसे ही राष्ट्रपति बदल लिया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने, तो उन्होंने भी राष्ट्रपति भवन में नॉन वेजिटेरियन बंद करा दिया। तो अभी सारे एयरपोर्ट पे भी नॉन वेजिटेरियन बंद हो जाना चाहिए। भाई जिसको जो खाना है वो अपने खाने की खान पान की व्यवस्था करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फैसिलिटेटर बन जाए। आज यदि नॉन वेजिटेरियन लोगों को हाइजेनिक मीट मिले, इसके लिए सरकार प्रयास करती है, तो फिर वेजिटेरियन लोगों को भी हाइजेनिक फूड मिले। इसलिए हर ग्राम पंचायत, हर पंचायत, हर नगर पालिका ने हर गांव में रोटी सब्जी दाल चावल के बड़े बड़े किचन खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव है। वेजिटेरियन को व्यवस्था नहीं है और नॉन वेजिटेरियन के लिए बड़े बड़े स्लॉटर हाउस खोले जा रहे हैं, उसको टैक्स पेयर के पैसों से उसको सब्सिडी भी दी जा रही है, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है वेजिटेरियन लोगों के या टैक्स पेयर्स लोगों पे। टैक्स पेयर ने देश के विकास के लिए पैसा दिया है, देश के विनाश के लिए, पशुओं की कत्ल के लिए पैसा थोड़ी दिया है। तो साधु वासवानी मिड डे को लेके मैं भारतवर्ष के सभी गणमान्य पदाधिकारी जो देश का सुशासन चलाते हैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि किसी भी चीज का प्रमोशन, अंडे हो, मछली हो, मांस हो, इसका प्रमोशन सरकार क्यों करे, नहीं करना चाहिए। क्या खाना क्या नहीं खाना ये व्यक्ति के अपने मन में जो या उसकी परंपरा या उसकी जो व्यवस्था है उस हिसाब से वो अपने खान पान की व्यवस्था हजारों साल से करता आ रहा है। अब तो हम अंडे में प्रोटीन है तो फिर भाई मूंगफली में भी प्रोटीन है तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट दे दो। तो क्या ये सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़ी टैक्स कलेक्शन होता है? तो आज मीटलेस डे को लेके मैं भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा कि मांस, मच्छी, अंडे, ये सब नॉन वेजिटेरियन आइटम को प्रमोशन करना बंद कर दे। और हमें ताज्जुब होता है कि मांस, मच्छी, अंडे पे कोई GST नहीं है, और दूध से लगा के सारे गेहूं, चावल, ऐसे सभी चीजों पे जो खान पान की चीजें है हमारी रोज बरोज की, उस पे GST लग चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा अन्याय वेजिटेरियन प्रजा पे हो रहा है। तो इस पे भी हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जी ने ध्यान देना चाहिए, कॉमर्स मिनिस्टर ने भी ध्यान देना चाहिए। मैं पिछले दिन पढ़ रहा था कि भारत से आम और अनार का एक्सपोर्ट अमेरिका होगा, तो मैं बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, कई सालों के बाद आम अनार का एक्सपोर्ट शुरू हुआ तो हमारे किसानों को बहुत आमदनी हो जाएगी। लेकिन जब उसके डॉक्यूमेंट पढ़े, 25 नवंबर 2021 के डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं ताजुब हो गया कि ये आम अनार भेजने के बाद हमें आने वाला क्या है, वहां से डॉलर नहीं आने वाला है, पैसा नहीं आएगा किसानों के पास, तो वहां से आएगा पोर्क, पोर्क मतलब सुअर का मांस, और अल्फा अल्फा मतलब रजका घास। तो रजका घास के हम भारत में नहीं उगा सकते, हमको अमेरिका से लाना पड़ेगा, और सुअर का मांस हम यहाँ लाके किसको खिलाना चाहते हैं और क्यों खिलाना चाहते हैं? हमारा इतना अच्छा पैदा हुआ हुआ आम और अनार जिससे हर एक की स्वास्थ्य को सहूलियत होती है, स्वास्थ्य सुधरता है, तो एक्सपोर्ट होने की वजह से अच्छी क्वालिटी एक्सपोर्ट हो जाएगी। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को भी कोई जाके कहे कि भाई आप ऐसे कैसे नीति नियम बना देते हो कि अच्छी चीजें एक्सपोर्ट करो और उसके सामने सुअर का मांस लेके आओ, ये तो बड़ा पागलपन है। तो मैं आज साधु वासवानी मीटलेस डे पे पूरे भारत और पूरे विश्व के सभी प्रजाजनों को, 700 करोड़ से अधिक जो प्रजाजन है उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मीटलेस डे, मीटलेस जीवन करा दीजिए, पूरा जीवन ही मीटलेस हो जाए, अपने खान पान में से मांस मच्छी खाने का ही बंद कर दे, अंडे खाने का ही बंद कर दे,
उससे कोई मर नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज तक मैंने सुना नहीं है कि मांस मच्छी खाने का बंद कर दिया, अंडे खाने का बंद कर दिया तो कोई आदमी मर गया, कभी नहीं सुना है। तो मैं सभी से कहता हूं कि कृपया घोड़ा गाड़ी चलाना यदि अत्याचार है तो घोड़े को या बैल को, बैलगाड़ी चलाना अत्याचार है तो यदि बैलगाड़ी, बैल को काम न देना और उसको काट के मार खाना, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, ज्यादा बड़ा अत्याचार है। तो ऐसे अनाचार कहते हैं उसको, तो ऐसे अनाचार विश्व की सभी प्रजाति के पशु पक्षियों पे अनाचार करना बंद करे, उसको काटना मारना अकाल मृत्यु करना बंद करे और हमारा जीवन सिर्फ एक दिन के लिए मिटलेस नहीं, पूरा जीवन ही मिटलेस हो जाए, पूरा जीवन ही इसी के बिना। हमारा जो नियत आहार है वो आहार, हम घास फूस भी नहीं खाते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो पशु पक्षी का आहार है। तो हमें जो खाने का, जो हमारे आंत जो है इंटेस्टाइन्स, उसको जो वो चबा, वो पाचन कर सके, वो है रोटी सब्जी दाल चावल। तो हमें वो खा के अपना जीवन अच्छी तरह से जीना चाहिए और मिटलेस डे से मिटलेस जीवन तक आगे बढ़े, यही शुभकामना है सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं देख रहा हूँ कि मित्तल भाई, हमारे रमेश भाई, मैं, हम सब प्रवास कर रहे हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं और फिर भी हमारा सबका, और सब इसी काम पे दौड़े हुए हैं। मैं भी कोई इसी काम से लगा के, आज एक बड़ी मीटिंग है यहाँ पे बम्बई में तो उसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। तो सब लोग ट्रैवल करके भी सबके मन में यही है कि विश्व के सभी प्राणी का कल्याण हो, उसी भावनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, हमारे मित्तल खेतानी जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनसे विनती करूंगी कि वो अपना माइक। एक काम, मैंने पहले भी बताया कि गिरीश भाई के प्रयत्नों से आज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक एडवाइजरी इश्यू हुई है कि पूरे भारत में इस दिशा में एक सुझाव किया गया है कि पूरे भारत में ये साधु वासवन डे के उपलक्ष्य में ये स्लॉटर हाउस क्लोज होने चाहिए। तो गिरीश भाई को भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं काम्या से विनती करूंगा कि पॉसिबल हो तो वो वीडियो वापस हमारे दर्शकों को दिखाए क्योंकि साधु वासवानी जी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, वो हमारी एडवाइजरी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी थी, वो भी हमारे सब दर्शकों को दिखाए। I would appeal to you kindly to observe the 25th of November, Sadhu Vaswani's birthday, as a meatless day. हम शाकाहारी बन के भगवत स्वरूप पूज्य साधु वासवानी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे, यही मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ। To stop killing any form of life is wonderful. It is really necessary. Millions of the people world over are celebrating this day as Meatless Day, as a tribute to the great saint Sadhu Vaswani Ji. 25th of November is a day to remember. It is Meatless Day. Please do observe 25th of November. दर्शक मित्रों, आपने देखा कि आपके चहेते जो सेलिब्रिटीज हैं, वो अभी संजय भाई ने भी हमें बताया था कई लोगों के नाम, कई सेलिब्रिटीज जो स्पोर्ट्स में है या बॉलीवुड में है या कहीं भी अपने क्षेत्रों में बहुत उच्च स्थानों पर है, वो भी वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं। और अभी आपने वीडियो भी देखा, अभी आपने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की एडवाइजरी भी देखी और हमने अभी समस्त महाजन और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर्स गिरीश शाह जी से बात की, उनका मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। दर्शक मित्रों, साधु वासवानी जी मीटलेस डे, साधु वासवानी जी का पूरा नाम था साधु थावरदास लीलाराम वासवानी। उनके जीवन में कई सारी ऐसी बातें थी जो उन्होंने लोगों से साथ शेयर की थी और वो उन्हें लोगों में प्रचार प्रसार करना चाहते थे और उसमें से एक ये था कि उनको जीव प्रति करुणा रखनी चाहिए हमें अन्य जीवों के प्रति। उसके लिए पुणे जो है, महाराष्ट्र में पुणे सिटी है, वहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पे साधु वासवानी जी के पूरे जीवन कवन बताया जाता है और दर्शाया दिखाया भी जाता है, जिसका नाम दर्शन म्यूजियम है। और साधु वासवानी जी मीटलेस डे जो आज हमने मनाया और सर्वश्रेष्ठ आहार शाकाहार जो हमने आज सीखा है, तो मैं आप सभी दर्शक मित्रों से विनती करूँगी कि ये वीडियो आप देखें और शेयर भी करें ताकि सभी दर्शक मित्रों को शाकाहार के जो वैज्ञानिक, जो अपनाने के जो वैज्ञानिक कारण है वो पता चले
और सभी हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की है, तो वो हमें सभी दर्शक मित्रों तक पहुंचे। आज हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हैं, उनके लिए सभी मेहमानों का खूब खूब आभार। और हमारे साथ जो करुणा फाउंडेशन एनिमल हेल्पलाइन के जो मित्तल खेतानी है, रमेश भाई ठक्कर है, समस्त महाजन और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के गिरीश शाह जी है, संजय भाई मेहता जी है, डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी हैं। सो सब लोग ट्रैवल कर रहे थे और फिर भी उन्होंने आपके साथ बातचीत की, क्योंकि वो आज इस डे को, शाकाहार को सभी लोगों में प्रचलित करना चाहते थे। तो आपको भी विनती है कि ये वीडियो को शेयर फॉरवर्ड जरूर करें। धन्यवाद।